आज के वीडियो में सीधा हम लोग डिस्कस करते हैं पहले वैल्यूएशन के ऊपर और फिर जानेंगे कंपनी के बिजनेस पोर्टफोलियो। अगर हम लोग यहाँ पे डिविडेंड यील्ड की बात करें 1.34% के आसपास इनका डिविडेंड यील्ड है, साथ ही ईपीएस आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन है। इंडस्ट्री पी और स्टॉक पी में कंपेयर करें तो आपके स्टॉक पी आपके काफ़ी नीचे हैं इंडस्ट्री पी के मुकाबले, आप कह सकते हैं कि ये एक अंडरवैल्यूड शेयर है। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ और देखते हैं बाकी डिटेल्स। इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करें जिस कंपनी के बारे में, उसका नाम है गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड, जिसको हम GNFC भी कहते हैं। ये एक जॉइंट सेक्टर कंपनी है जो कि प्रमोट किए जाते हैं जो आपके गुजरात के गवर्नमेंट है उनकी तरफ से और गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड की तरफ से। ये कंपनी इस्टेब्लिश की गई थी 1982 में, जहां से इन्होंने स्टार्ट किया था अमोनिया और यूरिया फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर के तौर पे। साथ ही उसके बाद ये अभी आज के डेट में इंडिया के लीडिंग मैन्युफैक्चरर रहे हैं आपके फर्टिलाइज़र, इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोडक्ट्स और आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करने में। इनके जो आप कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है वो सेटअप किए गए हैं गुजरात में 1976 में, और यहाँ से ये काफ़ी बेहतरीन आप कह सकते हैं कि इनके जो भी प्रोडक्ट्स रहे हैं वो मैन्युफैक्चर होके आते हैं। और यहाँ पे जो इनका एरिया है या आप जो लोकेशन है वो काफ़ी बेहतरीन लोकेशन है वहाँ से। उसके साथ ही बात करें तो इन्होंने अपने धीरे धीरे बिजनेस पोर्टफोलियो को और भी बढ़ाया है, फर्टिलाइज़र के अलावे भी आपको देखने को मिलेंगे जो आपके केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, एनर्जी सेक्टर्स या फिर आप कह लें कि बाकी इंडस्ट्रीज़ के लिए ये आपको काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये धीरे धीरे अपने बिजनेस पोर्टफोलियो में चेंजेस भी ला रहे हैं और अपने जो जितने भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें थी उनको भी ये धीरे धीरे करके और इवॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे एनालिस्ट के एस्टिमेट की, तो आप देखेंगे 100% एनालिस्ट आपको बाइंग की रेटिंग प्रोवाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं। बाकी आपको क्या करना है आपको खुद भी पता है। रिटर्न पे बात करें तो रिटर्न आप देख सकते हैं हर एक टाइम फ्रेम में आपको काफ़ी बेहतरीन रिटर्न देखने को मिले हैं, तो इनके शेयर होल्डर्स को काफ़ी बेहतरीन रिटर्न अभी तक मिल चुके हैं। बाकी जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इट डिपेंड्स कि आप कौन से लेवल पे, आप कौन से टारगेट के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसी के बेसिस पे हम लोग जब चार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी। तो बने रहिए वीडियो में आखिरी तक ताकि आप चीज़ों को मिस ना करें। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं क्वार्टरली बेसिस के जो इनके रिजल्ट्स रहे हैं वो कैसे निकल के आए हैं। यहाँ आपको इस क्वार्टर में, दैट मीन्स मार्च 2021 के क्वार्टर में आपको डिप देखने को मिल रहे हैं सेल्स पैरामीटर के ऊपर। तो इनके सेल्स में आप देख सकते हैं कि इनका सेल्स उस तरीके से नहीं हुआ जिस तरीके से सितंबर 2021 में निकल के आ रहे थे। जो नंबर वो थे 2096 करोड़ के आसपास, और इस आपके इस क्वार्टर में ये है 1733 करोड़ के लगभग। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे आप बात करेंगे या फिर नेट प्रॉफिट पे बात करेंगे तब भी इनके दोनों ही हल्के से आपको जंप में ज़रूर नज़र आए हैं। 470 के आसपास का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आया, और नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये 309 करोड़ के आसपास निकल के आ रहा है, और जो कि आप देखेंगे पिछले क्वार्टर से तो बेहतरीन ही है। उसके साथ ईयरली बेसिस पे बात करेंगे तो ईयरली बेसिस पे आपको पिछले साल भी एक डिप देखने को मिले थे और इस साल भी आपको एक डिप देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें या फिर नेट प्रॉफिट की बात करें, यहाँ आपको ये जंप में नज़र आएंगे जो कि आप कह सकते हैं कि डबल, ऑलमोस्ट डबल होते हुए दिखे हैं इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्योंकि जो पिछले मार्च 2020 में इनके नंबर्स थे वो थे 542 करोड़ के आसपास, और इस साल के जो नंबर्स हैं वो हैं आपके 1003 करोड़ के आसपास। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट में वही आपके 499 करोड़ के आसपास इन्होंने नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, बट इस साल इन्होंने 689 का प्रॉफिट जनरेट किया है। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि मिक्स इनके जो रिजल्ट्स हैं वो क्वार्टरली बेसिस के भी और ईयरली बेसिस के भी रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं हम और आगे की तरफ। यहाँ देखें सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज, तो यहाँ आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके से एक जंप देखने को मिले हैं प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज में, बट वहीं सेल्स ग्रोथ की बात करें तो आपको हल्की सी एक और डिप देखने को मिली है, जहाँ ये पहले पिछले पाँच साल में ये 2% थे, वहीं 3 ईयर्स में -4% और 1 ईयर में -1% के आसपास होते हुए दिखे हैं। बट वहीं प्रॉफिट ग्रोथ आपको सीधा -4% से आपको ये 38% का जंप नज़र आया है। नेक्स्ट यहाँ पे ROE एंड ROCE की बात करें तो यहाँ ये आप कह सकते हैं कि ठीक ठाक से इनके ROE एंड ROCE है, काफ़ी बेहतरीन या बहुत अच्छे तो नज़र अभी तक नहीं आए हैं।
बाकी आपको हर साल में फ्लक्चुएशंस नज़र आ रहे होंगे आरओसी के नंबर में, क्योंकि पिछले 5 साल में जहां ये 16% थे, वहीं इस 1 साल में भी आपको 16% पे ही नज़र देखने आ रहे होंगे। वहीं आरओसी की बात करें तो आरओसी 14% से 13 एंड देन फिर 12% के आसपास आके ठहर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे डेट की बात करते हैं तो डेट इस कंपनी के ऊपर है 2.16 करोड़ के लगभग, और जो कैश फ्लो है, दैट मीन्स जो कैश अवेलेबल है कंपनी के पास, वो डेट के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है, जो कि 1450 करोड़ के आसपास। चाहे ये कंपनी तो अपने कैश फ्लो के थ्रू ये एक डेट फ्री कंपनी के तौर पर भी काम करना स्टार्ट कर सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे बात करेंगे तो प्रमोटर्स के पास आपको जो होल्डिंग्स है वो 41 नज़र आ रहे हैं, उसके बाद पब्लिक के पास आपको 35% नज़र आ रहे हैं। सबसे कम आपको DIIs के पास देखने को मिल रहे हैं जो इनके होल्डिंग्स रहे हैं। बाकी आपके जो FIIs हैं, FIIs ने भी अच्छी खासी नंबर्स पे होल्डिंग की हुई है, जो कि 17% के लगभग आपको यहाँ नज़र आ रहे होंगे। तो ये तो रहे अभी तक के जितने भी नंबर्स थे उसके ऊपर हमने बात की है, तो यहाँ आपको मिले जुले हुए नंबर्स देखने को मिले हैं। बहुत बेहतरीन आप नहीं कह सकते, तो बहुत बुरा भी नहीं है, इनके नंबर्स आपको अच्छे ही देखने को मिले हैं। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न्स आपने देख ही लिया है। बढ़े आगे तो यहाँ आपके वो 4 म्यूचुअल फंड है जो यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हुए दिखे हैं, तो उनमें से देखते हैं। फर्स्ट वन जो है वो है आपके क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, जिनके 1.89% के होल्डिंग्स नज़र आएंगे। जो सेकेंड है वो है आपके IDFC के तरफ से 0.38% के आसपास इन्वेस्टमेंट है। जो थर्ड एंड फोर्थ वन है वो है आपके L&T आर्बिट्रेज, और फोर्थ वन है आपके इन्वेस्टको इंडिया। बाकी परसेंटेज आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग चार्ट के ऊपर। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो आखिरी में अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। इन केस आपके पास कोई भी क्वेरीज होती है या फिर आपको वीडियो कैसा लगा है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 1 वीक के टाइम फ्रेम पे बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ आपको काफ़ी बेहतरीन अपमूव देखने को मिला है इस 1 से 1.5 साल के टाइम फ्रेम में, जहाँ आप कह सकते हैं कि ये शेयर आपको 200 से भी नीचे, दैट मीन्स 150 के प्राइस से ये आपको ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि ये 500 के प्राइस तक तो आपको जाता हुआ नज़र आ ही चुका होगा। उसके साथ ही हम लोग यहाँ देखें तो कुछ हफ्ते से यहाँ आपको और अप ट्रेंड में नज़र आ रही हैं चीज़ें, और ये अपने ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि हमेशा आपको अप ट्रेंड में ही नज़र आते हैं। तो अगर अभी हमें इन्वेस्टमेंट के लिए इसमें सोचना है या फिर हम चाहते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, तो हमारे लिए कहाँ पे बहुत अच्छा समय हो सकता है वो देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। यहाँ अगर बात करें 1 डे के टाइम फ्रेम पे, तो आपके लिए 500 के आसपास का प्राइस एक अच्छा आप कह सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है यहाँ से, सॉरी आपके सपोर्ट निकल के आ रहा है यहाँ से, आप चाहें तो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी इसमें एक आपको गैप अप ओपनिंग भी होती हुई नज़र आई है, तो अगर उससे नीचे की बात करें तो 500 से लेके आप 450 के रेंज में नज़र बनाए रख सकते हैं, और इसी बीच के रेंज में आप चाहे तो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी आपको इसी तरीके से ये शेयर प्रॉफिट बना के देने के इसमें पोटेंशियल्स आपको काफ़ी ज़्यादा नज़र आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से इनके रिटर्न्स रहे हैं ये आपको सीधा सीधा प्रूव करता है कि कंपनी काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपको एक अप ट्रेंड में नज़र आए हैं, और उसके बेसिस पे लोगों ने इससे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी बनाया है। तो आई थिंक आज के वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की है। बाकी अगर आपको कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी है या कुछ अच्छी लगी है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।